जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस विशेष शो अवधनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इतिहास की धारा सतत बहती रहेगी, बहना ही है, उसकी धारा चलती रहेगी। और मैं अपनी टैगलाइन को हर एपिसोड में रिपीट करता रहूंगा कि पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, और समझो क्योंकि विकास करना है। भारत जगत गुरु की उपाधि मिली और आज हम पूरी दुनिया का मुंह देख रहे हैं। जिस देश को भगवान बनाने का विज्ञान पता है, वो छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी केलॉग्स, कॉर्नफ्लेक्स, बाइसाइकिल, छोटी छोटी चीजों के लिए हम बाहर पे डिपेंडेंट हैं। अरे भगवान नहीं बन सकते, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे राजनेता ये तो बने। और इसी क्रम में मैंने पिछले एपिसोड में आपको अशोक महान की कहानी सुनाई। जो भी चुनौतियां आपके सामने हो, डायरी में लिख लें, चैलेंज सॉल्यूशन, चैलेंज सॉल्यूशन। ऐसे ही तो राजा को पढ़ेंगे। अशोक के सामने चैलेंज क्या है? साम्राज्य। सॉल्यूशन क्या है? पैटर्नल डिस्पोटिज्म। अशोक के सामने चैलेंज क्या है? डाइवर्सिटी। सॉल्यूशन क्या है? धम्म की नीति। अशोक के सामने चैलेंज क्या है? विदेशी संबंध। सॉल्यूशन क्या है? धम्म का विस्तार। अशोक के सामने चैलेंज क्या है? बृहद जनता। सॉल्यूशन क्या है? थ्योरी ऑफ किंगशिप। ऐसे किस चुनौती का राजा ने किस तरह से समाधान निकाला, इसको समझना है। अब मैंने अशोक की कहानी आपको सुनाई, लेकिन आप में से बहुत सारे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने एक सवाल होगा कि इस चैप्टर को और कैसे तैयार करें। सिंपल, सिंपल सा सूत्र, सिंपल। कौन सा दौर चल रहा है? सेकेंड अर्बनाइजेशन का, द्वितीय नगरीकरण का। अब सूत्र सुनिए। द्वितीय नगरीकरण का जन्म हुआ 6th century BC में। उसको प्रोत्साहन मिला मौर्य काल में और वो चरमोत्कर्ष पे पहुंची मौर्योत्तर काल में। बस ये ग्राफ बना लीजिए, एक व्हाइट शीट लीजिए, उस पे ऊपर लिखिए सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण, फिर पहला चरण जन्म का चरण 6th century BC, मौर्य काल प्रोत्साहन, मौर्योत्तर काल चरमोत्कर्ष। तो अब अर्थव्यवस्था में मौर्योत्तर काल में देखिए कि कैसे इस द्वितीय नगरीकरण की जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रोत्साहन कैसे मिला। एरियन कहता है असंख्य नगर, इनफाइनाइट सिटीज, नगरों की संख्या बढ़ गई। भाई द्वितीय नगरीकरण की जो अर्थव्यवस्था, उसके प्रमुख पहलू क्या है? पहला पहलू है नगर। तो नगरों का जन्म हुआ, तो उत्पादन केंद्र के रूप में नगरों का विकास हुआ 6th century BC में। उत्पादन केंद्र के रूप में नगरों को प्रोत्साहन मिला मौर्य काल में। एविडेंस एरियन। एरियन कहता है असंख्य नगर, इनफाइनाइट, असंख्य नगर, असंख्य। अब द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन के जो प्रमुख लक्षण हैं इकोनॉमी के, उसका ग्राफ बनाइए, 6th century मौर्यन, पोस्ट मौर्य। तो उत्पादन के रूप में नगरों का जन्म 6th century में, उत्पादन के रूप में नगरों को प्रोत्साहन मौर्य काल में। एविडेंस एरियन, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिटीज। दूसरा प्रमुख लक्षण अर्बन इकोनॉमी का, करेंसी सिस्टम, पंच मार्क्ड कॉइन्स 6th century BC। अब फिर ग्राफ बढ़ा लो, पंच मार्क्ड कॉइन्स, जन्म 6th century BC, करेंसी सिस्टम को प्रोत्साहन मिला मौर्य काल में। अब इकोनॉमी भी चलानी है, एम्पायर भी चलाना है। मौर्य काल में आपको सूचना मिलेगी वेतन की, 60 पण से 48,000 पण,
वेतन, कैश, तो करेंसी सिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा। करेंसी सिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा, साक्ष्य, एविडेंस। मौर्य काल में दो अधिकारी करेंसी सिस्टम से संबंधित, पहला लक्षणा अध्यक्ष, एक और है बड़ा महत्वपूर्ण रूपदर्शक। रूपदर्शक यह कौन है? करेंसी की जांच करने वाला, करेंसी पर नजर रखने वाला। सबसे ज्यादा खतरे में कौन? करेंसी। आज भी आप 500 रुपए का नोट किसी को देखते हो तो देते हो, चेक करता है असली है कि नकली। दो अधिकारी, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक। अब मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल शहर, शहरमय भारत, शहरमय, और करेंसी सिस्टम में क्रांतिकारी परिवर्तन। सोने की मानक करेंसी पहली बार किसने शुरू किया? इंडो ग्रीक्स ने। सबसे शुद्ध किसने सोने के सिक्के चलाए? कुशानों ने। देखो इकोनॉमी, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही। सीखो, जागो और आगे बढ़ो, खुद से पढ़ो, किसी पे डिपेंडेंसी क्यों रखे हो? मास्टर साहब पढ़ा दीजिए, मास्टर साहब सीख रहे हो ना, तरीका बता तो रहा हूं। अर्थव्यवस्था केंद्र बिंदु, सेकेंडर ऑर्गेनाइजेशन, जन्म छठी शताब्दी, प्रोत्साहन मौर्य, पीक मौर्योत्तर। इसी चीज को ध्यान में रखकर तीनों काल की अर्थव्यवस्था को तैयार कर लो। अर्थव्यवस्था बदलेगी, राजनीति बदलेगा। तो 6th century BC में महाजनपद, सेकेंड अर्बनाइजेशन ने महाजनपदों को जन्म दिया। अब मौर्य काल में सेकेंड अर्बनाइजेशन को प्रोत्साहन मिल रहा है, तो महाजनपद बना साम्राज्य। किसकी वजह से? मगध के महान शासकों की वजह से। कौन? बिंबसार से अशोक, मगध की साम्राज्यवादी नीति। अंग से कलिंग, ये मौर्य के नीचे लिख लो, अंग से कलिंग। मगध के साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत कौन करता है? बिंबसार। कहां पे कब्जा? अंग पे। कहां पे पहुंच के पीक पे पहुंचती है? अशोक के समय। कहां पे कब्जा? कलिंग पे। एक फॉर्मूला मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो राजनीति में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखोगे तुम मौर्य काल में, क्रांतिकारी। उसके बिना तो इस चैप्टर को खत्म ही नहीं किया जा सकता। यहीं पर आपको मिलेगी अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और किताब का विषय क्या है? राजनीति। तभी तो मैं कहता हूं ई इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। किताब का नाम है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र इकोनॉमी से डील करो, राजनीति। और यहीं पर प्रशासन में पैदा हुआ सप्तांग सिद्धांत, 7 limbs of the state। तुम यार रटने में भरोसा करते हो, रट ले, क्यों तोता बनोगे? तुम्हें तो राजा बनना है, समझो। अब यहीं पे ग्राफ बना लो। ऋग्वैदिक काल, जन, कबीला, राज्य एब्सेंट, क्यों? टैक्सेशन एब्सेंट। फिर आगे बढ़ो, उत्तर वैदिक काल, राज्य का जन्म, जनपद, कुरुक्षेत्र, क्यों? टैक्सेशन सिस्टम का जन्म। 6th century BC, आगे बढ़ो, द्वितीय नगरी क्रांति, टैक्सेशन को प्रोत्साहन, टैक्सेशन सिस्टम को। मौर्य काल, साम्राज्य, एम्पायर, टैक्सेशन सिस्टम का
विकास और सुदृढ़ीकरण, डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, ऐसे एक लाइन बना के एरो और कनेक्ट कर लो, क्लियर। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, अपने आगे किसी को क्यों समझते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। कि गुटखा ही खाओगे, बादाम खाओ, बादाम। आज का युवा क्यों कमजोर है पता है, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, गौर से सुनना। एलमंड सोप लगा रहा है चेहरे पे, बादाम का साबुन, एलमंड शैंपू लगा रहा है, एलमंड क्रीम लगा रहा है और खाता है गुटखा। अरे बादाम खाने की चीज है, लोग कहते हैं बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, हालांकि ये गलत बात है, बुद्धि बढ़ती है ठोकर खाने से। बनाओ ऐसे डायग्राम, पराधीन सपने सुख नहीं, those who are dependent on others will never be happy। दूसरों पर निर्भरता खत्म करो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कितनी अच्छी बात करते हो, बहुत बड़ी बात करते हैं, बहुत। मैं उनकी इस बात का 2000% समर्थन करता हूं, आत्मनिर्भर भारत। स्वदेशी मूवमेंट का यही तो नारा है, सेल्फ रिलायंस। बहुत अच्छी बात करते हैं मोदी जी, आत्मनिर्भर भारत। सीखो, जागो, आगे बढ़ो। तो यहीं पर सप्तांग सिद्धांत, सेवन लिम्ब्स, छठी सदा, ऋग्वैदिक काल, प्रशासन कैसे चल रहा है, समितियों से सभा समिति विद्वतगण, एक डायग्राम और बनाओ, उस पर लिखो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक, सिक्स सेंचुरी, मौर्य काल, ऐसा लाइन से लिखो, एरो बना बना के, फिर नीचे एरो बनाओ, ऋग्वैदिक काल में प्रशासन कौन संभाल रहा है, समितियां, सभा समिति विद्वतगण, उत्तर वैदिक काल में परिषद रत्निन, सिक्स सेंचुरी बीसी में सामान्य संरचना का जन्म, प्रशासन की सामान्य संरचना, अमात्य, जुडिशरी, स्टैंडिंग आर्मी, और मौर्य काल अर्थव्यवस्था और साम्राज्य का संचालन, मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड एम्पायर। तो अर्थशास्त्र और सप्तांग सिद्धांत, सेवन लिम्स ऑफ द स्टेट, सरकार के सात अंग। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पहला अंग राजा, धर्म प्रवर्तक, निरंकुश। दूसरा अंग परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब सुनना, मौर्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ अमात्य वर्ग से लिए जाते थे, ब्यूरोक्रेसी से। मुख्यता मौर्य काल के मंत्रियों का चयन मुख्यतः अमात्य वर्ग से होता था, अमात्य सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स। अनोखी लॉबी भारत की, इसी ने भारत को आजाद कराया था और यही भारत को महान बनाएगी। थोड़ा सा भटक गई है लेकिन मैं अपील करता हूं भारत के उन सभी सिविल सेवकों से, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, सिविल सेवा की तो थे, अग्रिम भूमिका निभाई भारत की आजादी में, और अब यही सिविल सेवक भारत को महानतम शिखर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये समझते हैं अंतः संबंध इकोनॉमी का, पॉलिटी का, सोसाइटी का, रिलीजन का। एक बार इन्हें फिर सक्रिय भूमिका अदा करनी पड़ेगी। मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं सिविल सर्वेंटों को त्याग करते हुए देखता हूं, ऐसा एक सिविल सर्वेंट
जिसका मैं नाम लेना जरूर चाहूंगा, अन्नामलाई, आईपीएस ऑफिसर कर्नाटक कैडर, रिजाइन करता है, रिजाइन, अन्नामलाई रिजाइन करता है और तमिलनाडु की राजनीतिक बागडोर संभाल रहा है। उभरता हुआ युवा नेता, समझदार, योग्य, आक्रामक, भगवान उसे प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाए। अब तुम भाग नहीं सकते, अब तुम एस्केपिस्ट नहीं हो सकते, लेकिन इसका मत तात्पर्य यह नहीं है कि सिर्फ सिविल सेवक ही योग्य हैं, कोई भी योग्य हो सकता है, बस उसके पास समझदारी होनी चाहिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुख्यतः चयन होता था अमात्य वर्ग से, दूसरा लिंब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तीसरा लिंब ब्यूरोक्रेसी, एग्जामिनेशन होता था उपधा परीक्षण, धर्म अर्थ काम का टेस्ट होता था, बहुत सख्त परीक्षा, फेल कर गए गए, और तीन प्रमुख विंग ब्यूरोक्रेसी के, पहला तीर्थ, सर्वोच्चतम अधिकारी 18 तीर्थ, युवराज, सेनानी, महर्षि, तीर्थ, दूसरा अध्यक्ष, 27 अध्यक्ष, किससे कनेक्टेड, सोसाइटी और इकोनॉमी से, सोसाइटी और इकोनॉमी मजबूत होगी तो अर्थव्यवस्था स्वतः मजबूत होगी, नियम है ये, जैसे आज हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निदेशक तत्व, समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ऐसे मौर्य काल में अध्यक्ष थे 27, अकारा अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष, कंज्यूमर फोरम, पण्य अध्यक्ष, मार्केटिंग ऑफिसर, और युक्त सेक्रेटरीज, तीन प्रमुख अधिकारी वर्ग, तीर्थ, अध्यक्ष और युक्त। पहला लिंब राजा, दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, परिषद, कहां से लिए जाते थे मुख्यतः, अमात्य से, ब्यूरोक्रेसी, परीक्षा से, चौथा जुडिशरी, धर्मस्थी और कंटक शोधन जैसे न्यायालयों की सूचना, पांचवा स्पाई सिस्टम, नजर रखनी पड़ेगी, जितना मजबूत राज्य, जितना समृद्ध राज्य, उतनी ज्यादा नजर। अफगानिस्तान की गुप्तचर एजेंसी पता है क्या करेंगे, गुप्तचर एजेंसी बना के कौन हमला करेगा उनके ऊपर, लेकिन अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी का नाम पता होगा, CIA, जहां समृद्धि ज्यादा है वहां अपनों पे नजर रखनी पड़ेगी और सब पे नजर रखनी पड़ेगी, तो गुप्तचर व्यवस्था। छठा सेना, चतुरांग बल, मेगास्थीनीस तो कहता है 6 विंग, और सातवां आत्मा, टैक्सेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर से मेन टैक्स, टैक्स, बलि, भाग, हिरण्य, कैश क्रॉप पे टैक्स, हिरण्य, प्रणय, इमरजेंसी टैक्स, सेल टैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सात लिंब, सात, मौर्योत्तर काल प्रशासनिक संरचना स्ट्रांग और मौजूद, ऐसे पढ़ो ना डायग्राम बना बना के। तो अर्थव्यवस्था बदली, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलेगी समाज बदलेगा। अब समाज के वो केंद्र बिंदु देख लो, 6वीं शताब्दी BC में द्वितीय नगरीकरण से जो समाज की संरचना मैंने बताया, शूद्र और स्त्री की दशा में उत्थान, उसको प्रोत्साहन मिला मौर्य काल में, वो चरमोत्कर्ष पे पहुंची मौर्योत्तर काल में, समाज भी बदला। दास प्रथा शुरू हुई गुप्त काल में, प्रथा, दास मौजूद थे वैद्य काल में, दास प्रथा शुरू हुई 6वीं सेंचुरी BC में, प्रोत्साहन मिला मौर्य काल में। अर्थशास्त्र पूरा एक चैप्टर डिवोट करता है
मौर्योत्तर काल में और विकसित हुई। अर्थ ग्राफ बनाइएगा, एक इकोनॉमी का, एक पॉलिटी का, एक सोसाइटी का, और सारा ग्राफ ऐसे सामने रखिए और पूरे पिक्चर को ऐसे देखिए, कनेक्ट करिए इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कनेक्ट करिए। हमारी सारी बहनें जो गांवों में हैं, इनको कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, कोई चिंता की बात नहीं है, एकलव्य बन जाओ, एकलव्य बन जाओ, एकलव्य साधना शुरू कर दो, लगाओ दिमाग, खड़े होके पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, 2 घंटा डेली पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 4 साल तैयारी होगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 30 साल में सिलेक्शन होगा यूपीपीसीएस में, कोई बात नहीं, 35 साल में होगा, कोई बात नहीं, पढ़ो, जागो और विकसित हो जाओ। बौद्ध जैन धर्म, जन्म 6th century BC, प्रोत्साहन मौर्य काल, चरमोत्कर्ष मौर्योत्तर। तो एक डायग्राम बनाओ इकोनॉमी का, 6th century, मौर्य काल, मौर्योत्तर, जन्म, प्रोत्साहन, चरमोत्कर्ष। एक डायग्राम बनाओ पॉलिटी का, एक डायग्राम बनाओ सोसाइटी का, एक डायग्राम बनाओ धर्म का, 4 चित्र बनाओ। कहां लिख लिख के नोट्स बनाते हो? नोट कमाने की चीज है, बनाने की चीज नहीं है। बनाओगे, पढ़ो, विकसित हो जाओ, एक अच्छे व्यवसायी बनो, उद्यमी बनो। ठीक है, आईएएस बन गए तो अच्छा है, पीसीएस बन गए तो अच्छा है, डॉक्टर बन गए तो अच्छा है, इंजीनियर बन गए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। दिमाग को जिंदा करो, खुद ब खुद महान बन जाओगे। 3 इडियट में आमिर खान कहता है ना कि बाबा रणछोड़ दास कहते हैं कि बेटा काबिल बनो, काबिल। सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे घूमेगी। बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ी अच्छी मूवी, बड़े संदेश वाली मूवी, संदेश। और फिर मौर्य काल से हम आगे बढ़ेंगे, एकदम आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे मौर्योत्तर काल में। तो वैदिक काल का केंद्र बिंदु लौह क्रांति, 6th शताब्दी ईसा पूर्व का केंद्र बिंदु 2nd अर्बनाइजेशन, मौर्य काल का केंद्र बिंदु साम्राज्य। एक लाइनर लिख लो कि वैदिक काल का पूरा इतिहास लौह क्रांति के चारों तरफ घूम रहा है, 6th century BC का सारा इतिहास नगरीय क्रांति के चारों तरफ घूम रहा है, और मौर्य काल का सारा इतिहास साम्राज्य के चारों तरफ घूम रहा है। एक और डेवलपमेंट मौर्य काल की, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण, जो मैं भूल गया, यहां बताना बहुत जरूरी समझ रहा हूं मैं उसे, तो मैं उस पर आऊंगा। अशोक भारत का पहला शासक है जो अपनी जनता से सीधी बात करता है, किसके द्वारा? शिलालेखों के द्वारा। शायद वो भी मन की बात करता है। शायद अच्छा है, राजा को अपनी जनता से बात करना ही चाहिए, सब बुराई क्या है? राजा को अपनी जनता से बात करना ही चाहिए, और वो भी आधुनिक युग का राजा। जब वो प्राचीन काल का राजा भगवान का प्रतिनिधि होकर जनता से बात कर सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी अगर जनता से बात करते हैं जनता के प्रतिनिधि होकर, कितना महान काम है, कितना महान काम, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अच्छी चीजों की तारीफ होनी चाहिए,
किसी भी आदमी को बहुत बायस नहीं होना चाहिए कि हम बुराई ही करेंगे। नहीं नहीं, बुराई क्यों करोगे भाई? डेमोक्रेसी में बुराई का स्थान नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब आलोचना। आलोचना शब्द बड़ा प्यारा है। आलोचना शब्द बड़ा है लोचन से। लोचन मतलब आंख। इसलिए जब कोई किसी को बहुत घूरता है तो उसको कहते हैं लुच्चा। आलोचना मतलब निष्पक्ष होकर देखना। आलोचन विपक्ष की यही तो भूमिका है। डेमोक्रेसी में सबसे मजबूत, सबसे अहम भूमिका किसकी? विपक्ष की। लेकिन विपक्ष का काम बुराई करना नहीं है, व्यक्तिगत प्रहार करना नहीं है, गाली देना नहीं है। आलोचना, निष्पक्ष होकर बात करना। जो जनता के हित में है उसका समर्थन करना, और जिसमें जनता का हित खतरे में पड़ रहा है उससे सरकार को अवगत कराना। पिटीशन और प्रेयर करके या बॉयकॉट करके या संसद में संबोधन देकर, कितने अच्छे अच्छे रास्ते हैं। सरकार की नीति का विरोध होना चाहिए अगर वो जनता के हित में नहीं है तो। लेकिन सड़क पर उतर कर नहीं, आग लगाकर नहीं। हमारी संपत्ति है ये रेलवे, ये रोडवेज, ये स्कूल, ये ऑफिस, ये हमारे टैक्स के पैसे से बना है। विरोध गलत नहीं है, विरोध होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने साइकिल यात्रा की 16 सितंबर से 26 सितंबर तक, और यूपी पुलिस ने मुझे कहीं भी परेशान नहीं किया। हजारों लोग मुझे मिले सड़कों पर, कानपुर, औरैया, रनिया, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, लेकिन यूपी पुलिस ने मुझे कहीं परेशान नहीं किया। नजर थी, रखनी भी चाहिए, कहीं परेशान नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने विरोध किया, बदमाशी नहीं की। हमारा देश है, हमारा राज्य है, हमारी सरकार है, हमारी संपत्ति है। जलाना नहीं है, फूंकना नहीं है, तोड़ना नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि विरोध नहीं करना। करना है, हाथ जोड़ के करना है, गाना गा के करना है, भूखे रह के करना है, करना है। जनता से बात करता है अशोक। पांच मुख्यतः पांच प्रकार के उसके शिलालेख हैं। एक मेजर रॉक एडिक्ट है, एक माइनर रॉक एडिक्ट है, एक मेजर पिलर एडिक्ट है, एक माइनर पिलर एडिक्ट है, और एक सेपरेट एडिक्ट है। पांच, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, इसका जरूर डायग्राम बनाइएगा, और कोशिश करिएगा कि 6th century BC मौर्य और मौर्योत्तर तीनों के डायग्राम्स, इकोनॉमी का एक साथ, पॉलिटी का एक साथ, सोसाइटी का एक साथ, धर्म का एक साथ, और उसके बाद सारे डायग्राम को सामने रखकर कनेक्ट करिए, बैठिए, सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए। और इस नीति को हर विषय में लगाइए। इस पेट को जागृत करिए, ये दोनों पेट है। यहां खाना हजम होता है, यहां विचार हजम होते हैं। ये भी एक पेट है, ये भी एक पेट है, और खाना गड़बड़ हो जाए तो डायरिया, और विचार गड़बड़ हो जाए तो डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? मेंटल डायरिया। खाना गड़बड़ हो जाए तो डायरिया, कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गई, ऐसे विचार पॉइजनिंग भी होती है। खाना गड़बड़ हो जाए तो डायरिया, और विचार गड़बड़ हो जाए तो डिप्रेशन। बचिए उनसे,
इस देश महानता का देश, बुद्ध, महावीर, दादू, राम, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए, भगवान राम 14 साल जंगल में, और जिस मां की वजह से जंगल गए उसको सर्वाधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि इसी मां ने मुझे भगवान बनाया, नहीं तो मैं अयोध्या का छोटा सा राजा बन के रह जाता। ये कहीं से बहुत प्रेम है उन्हें। देखिए उनको, उनका दिमाग देखिए, उस पॉजिटिव दिमाग। आज का व्यक्ति होता तो मां पर ही मुकदमा ठोक देता, आज का कोई पुत्र होता तो मां पे मुकदमा कर देता कि हमारी प्रॉपर्टी लिए ले रही है, पापा दे रहे हो ये नहीं लेने दे रही, करी भरत को दे दो। राम क्यों महान है? समझ रहे हैं कि ये मां राजा ही नहीं बनाना चाहती, कुछ और बनाना चाहती, और बना दिया उस मां ने। इसी को मैं कहता हूं नजरिया, दृष्टिकोण, देखने का तरीका। श्री राम को भगवान राम बनाया माता केकई ने, इसलिए जब अयोध्या लौटकर आते हैं जंगल से तो सबसे पहले माता केकई से मिलने जाते हैं। अब मौर्य काल का संविधान क्या, 6th century BC में धार्मिक आंदोलन हुए, क्योंकि इकोनॉमी बदली, पॉलिटी बदली, सोसाइटी बदली, तो संविधान बदलेगा, तो धार्मिक आंदोलन हुए। उन धार्मिक आंदोलन में प्रमुख बुद्ध और जैन, यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म अर्बन इकोनॉमी के संविधान है, ये दिमाग में बैठाना है। बुद्धिज्म और जैनिज्म अर्बन इकोनॉमी के संविधान है। तो जब अर्बनाइजेशन मौर्य काल में बढ़ रहा है तो बुद्ध और जैन धर्म की रेलेवेंसी बनी रहेगी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो जाते हैं, अशोक बौद्ध, और अशोक का बौद्ध धर्म को वर्णन करने को युग प्रवर्तक घटना कहा गया। बड़ी जबरदस्त लाइन NCERT में, युग प्रवर्तक, युग को बदलने वाली घटना, अशोक के बौद्ध धर्म के वर्णन को। क्यों? क्योंकि उसने बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया, बुद्धिस्ट मिशन भेजे। मैंने बताया आपको, पुत्र महेंद्र और बेटी संगमित्रा, अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस काल में देखेंगे जिस पर मैं यहीं चर्चा कर लूंगा, वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए, अशोक स्तंभ, देखिए अशोक स्तंभ, महाभारत सीरियल देखा था ना, ये चक्र घूमते हुए सीरियल शुरू होता था, मैं काल हूं, समय, समय। इस काल में एक प्रमुख घटना और आप देखेंगे मौर्य काल में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ऋग्वैदिक काल में भैया भरण पोषण अर्थव्यवस्था में कहां बढ़ाओगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर? अभी अफगानिस्तान में व्हाइट हाउस बना पाओगे? पैसा ही नहीं है। उत्तर वैदिक काल में कुछ थोड़ा बहुत बना होगा, अब उसके अवशेष नहीं है। मौर्य काल के आर्किटेक्चर की सूचना मिलती है, फयान से मिलती है, वो लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल देवताओं द्वारा निर्मित था, इसका मतलब बड़ा शानदार महल रहा होगा। लिटररी एविडेंस मिलते हैं, और सिंधु सभ्यता से हमारी आर्किटेक्चर का, आर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा रहे पशु संसार, हाथी, बैल, हिरन, शेर, सिंधु सभ्यता से हमारी संस्कृति, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अहम हिस्सा थे ये सारे पशु। संदेश तो कोई भी दे दे, बुद्ध की मां बुद्ध के पैदा होने से पहले सफेद हाथी स्वप्न में देखती हैं, हाथी, सफेद हाथी, विलक्षण आत्मा, रेयर आत्मा का जन्म होने जा रहा है, सफेद हाथी। बैल श्रम,
तपस्या। संग साहस, जब तुम बड़ा सपना देखते हो तो उतना साहस भी होना चाहिए। एवरेस्ट पे चढ़ोगे तो एवलांच का खतरा नहीं रहेगा। सर हम आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन सर अगर मेरा नहीं हुआ तो आईपीएस बन जाना। नहीं नहीं सर, बहुत लोग कहते हैं कि आईएएस में जल्दी सिलेक्शन नहीं होता। अरे तो भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ जाना। अरे सर ऐसे कैसे लड़ जाएंगे, हाँ तो नहीं लड़ पाओगे। अगर इस दौर के भारत को देखो तो बहुत सारे नेता बहुत सामान्य परिवार से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सामान्य परिवार से, उनके परिवार की तो कभी कभार चर्चा होती रहती है। अति सामान्य, अति सामान्य, बड़े सारे नेता, बड़े सारे साहस रहा होगा सपने को देखने का और उस सपने की आवश्यकताओं पर काम करने का। सपना, संघर्ष और साहस, ये तीन बहनें हैं। और जिसका वरण कर लें उसको खुदा बना दें। इतिहास की ये जो धारा मैंने वैदिक काल से शुरू की और आज मौर्य काल पर समाप्त कर रहा हूं, आशा करता हूं कि आप सब आदमियों को, आप सभी महानुभावों को, आप सभी भारत के सम्मानित नागरिकों को, मेरे भाई बहनों को, वो जो तीन परिभाषा मैंने दी, वो तीनों परिभाषा जोड़कर अब आपके समक्ष इतिहास की पिक्चर बन रही होगी। अतीत को क्यों पढ़ना है? क्योंकि अतीत, अतीत को पढ़ना है क्यों? क्योंकि अतीत को पढ़कर हम वर्तमान को समझेंगे। अगर अशोक विभिन्नतावादी भारत को व्यवस्थित रूप से चला सकता है तो हम आज चला सकते हैं। अगर अशोक बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों के बीच के मतभेद को संभाल सकता है तो हम आज हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख के मतभेदों को संभाल सकते हैं। इतिहास एक जीवंत विषय है। क्यों? क्योंकि वर्तमान के लिए गुरु का काम करता है। अब देखो वो परिभाषा जो मैंने दी कि इतिहास अतीत का अध्ययन है, लेकिन इतिहास एक जीवंत विषय है क्योंकि वर्तमान का गुरु है। और जिसका वर्तमान अच्छा होगा उसका भविष्य स्वतः अच्छा होगा। वर्तमान भविष्य का इन्वेस्टमेंट है, वर्तमान को कभी वेस्ट मत करना। इसीलिए वर्तमान के लिए इंग्लिश में एक शब्द है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। वर्तमान को जिसने वेस्ट किया, खत्म। वर्तमान को वेस्ट मत करना, वर्तमान को सुधारो। वर्तमान को सुधारने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान। क्योंकि मन या तो तुम्हें पास्ट में ले जाएगा या फ्यूचर में ले जाएगा। वर्तमान में रहना नहीं चाहता हूं। तो तीसरी परिभाषा जो मैंने तुमको दी कि भैया हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू हैव अ गुड फ्यूचर। तीनों परिभाषाओं का सम्मिश्रण इतिहास को एक जीवंत चलचित्र बना देता है। चलचित्र, मूवी देख रहे हो आप, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, धर्म सब जुड़े हुए हैं। तो अगर आज आपको समाज बदलना है, किसको टच करोगे? अर्थव्यवस्था को। जैसे ही अर्थव्यवस्था बदलेगी, राजनीति बदलेगी, राजनीति बदलेगी, समाज बदलेगा। यह सीखना था, इसी को तो कहा लर्निंग। बहुत लोग कहते हैं इतिहास पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। क्यों करेगा? सीख कुछ रहे नहीं हो, ग्रहण कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई बादाम खा रहे हो और ताकत महसूस नहीं होगी तो बादाम खाने का मन करेगा? अब तोते को रामायण याद है, लेकिन तोता बुद्ध थोड़ी हो जाएगा। कालक्रम, ऐतिहासिक घटनाएं, अंतः संबंध
उनकी प्रासंगिकता, महत्व, रेलेवेंसी। नगर से जुड़ा है करेंसी सिस्टम, नगरीकृत इकोनॉमी से। अमेरिकन डॉलर अफगानिस्तान की करेंसी, आज से, वर्तमान से। तभी तो मैं शुरुआत से कह रहा हूं, अब शायद इस स्थिति में आकर आपको कुछ पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई पड़ती होगी। अब कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है, ऐसे देखना है। आजकल एक यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, बड़ा क्रांतिकारी इंफॉर्मेशन देती है, बड़ी अजीब अजीब इंफॉर्मेशन देती है। पता नहीं, शायद कुछ दैवीय सोर्स मिलते होंगे उनको, जैसे वैदिक ऋषि मंत्र दृष्टा थे, ऐसे बड़े सारे आजकल के विद्वान आंख बंद करते होंगे तो कुछ अदृश्य शक्तियां उनको कुछ बताती होंगी, वो उसको व्हाट्सएप पर टाइप कर देते होंगे। आज ये जो व्हाट्सएप के विद्वान है, ये मंत्र दृष्टा है, घटना दृष्टा, ये चले जाते होंगे 1000 साल पहले और ओरिजिनल घटना को देखकर ये वापस आते होंगे, तब ये व्हाट्सएप पे लिखते होंगे। इनको ये भी लिखना चाहिए, ऐसा मैंने देखा, फॉरवर्डेड लिखते हैं, फॉरवर्डेड, खुद को बचाए भी रखते हैं। अरे भैया, तुम इतनी महान विभूति हो, तुम्हारा ज्ञान चक्षु खुला है, तुम लिखो कि मैं टाइम ट्रेवल किया, 1000 साल पहले गया और मैंने वास्तविक घटना देखा और आज उसको देखकर मैं व्हाट्सएप पर लिख रहा हूं। विध्वंस करना बहुत आसान है, निर्माण करना एक चुनौती है। इसीलिए विध्वंसकारी का नाम चाहे जितना हो, उसे महान नहीं कहा जाता। विध्वंसकारी का नाम चाहे जितना हो, उसे महान नहीं कहा जाता, क्योंकि निर्माण करना एक चुनौती है, बनाना एक चुनौती है, मिटाना। इतिहास सिर्फ मृत लोगों का विषय नहीं है, सिर्फ मृत का अध्ययन नहीं है। मैंने कहा ना, सिंधु सभ्यता, अभी तो मैंने सिर्फ अशोक पर चर्चा की, अभी अशोक के बाद में आऊंगा गुप्त काल और उत्तर काल के कुछ राजा हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, योग्य लोग हैं, परिस्थिति को संभाला है उन्होंने। गुप्त काल, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, शेरशाह, अकबर, अशोक और मौर्य काल की इस गाथा के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।